नारवा स्टूडियो में 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का भव्य आगाज। देश विदेश से आए अतिथिगण, साहित्य प्रेमियों की नजर में पिछले 9 सालों से अपनी एक अलग छवि बना चुके ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा की भव्य शुरुआत एक बार फिर से हो चली है। नोएडा स्थित नारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चलने वाले 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2024 का शानदार तरीके से उत्साह के साथ पहले दिन के पहले सत्र का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें कला और संस्कृति से प्यार, शांति और एकता के लिए आज साहित्य क्यों मायने रखता है, इस पर परिचर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, फिरत सुनेल, एम्बेसडर ऑफ टर्की, कमांडर के एल गंजू, ऑनरेरी कॉन्सुल जनरल यूनियन ऑफ कॉमोरोस, मतेजा वादेव घोष, एम्बेसडर ऑफ स्लोवेनिया, प्रियंका शर्मा, केंतुरा, लेखिका नीना वाघ, कवियत्री एंड ट्रांसलेटर स्मिता मिश्रा, प्रसिद्ध लेखिका सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया किया और कहा, साहित्य लिखना और उसको इतिहास बना देना, और ऐसा इतिहास जो अनंत काल तक चलता रहे। अगर आपको पता करना है कि किसी काल में देश की स्थिति कैसी थी, तो आपको उस काल का साहित्य को पढ़ना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उतना लिखने पर जोर देने के लिए जागरूक किया। वहाँ मौजूद अतिथिगण ने भी साहित्य पर अपने विचारों को साझा किया और स्टूडेंट्स को लिखने के लिए मोटिवेट किया। बता दें कि कार्यक्रम में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फोरम अतिथिगण द्वारा पोस्टर लॉन्च किया गया। साथ ही पीयूष गोयल द्वारा लिखी किताब मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया का विमोचन किया गया और आर्ट स्कूल ऑफ एनिमेशन के स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई रेंडर्ड पिक्सल्स, AI कॉर्पस एंड कन्वर्टेबल पिक्सल्स पोस्टर लॉन्च भी किया गया। इसी दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों को उनके देश के क्यूजीन भी चखाए गए। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में आर्ट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स स्टूडेंट्स द्वारा पेंटिंग एग्जीबिशन और आर्ट स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी स्टूडेंट्स द्वारा फोटोग्राफी एग्जीबिशन का उद्घाटन अतिथिगण द्वारा किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और उनके कामों से सभी गेस्ट बहुत प्रभावित हुए और खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के समापन में सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर द्वारा सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। बहुत खूबसूरत माहौल बना हुआ है और हमें ये हर्ष इस बात का भी है कि हम आज एक 10वें एडिशन के ऊपर पहुंच गए हैं। लिटरेचर फेस्टिवल शुरू करने का एक बहुत बड़ा तात्पर्य यही था कि हम चाहते थे कि आज के इस मीडिया युग में, जहां पर टेलीविजन और मोबाइल ने बहुत सारा समय लोगों का ले लिया है, उसके अंतर्गत भी लोग पढ़ने की रुचि रखें। और हमने हर बार ये सोचा है और समझा है कि जो आप लिखते हैं वो इतिहास बनता है, जो इतिहास से जो है वो साहित्य बनता है और साहित्य से संस्कार बनते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश के अच्छे संस्कार बने रहें, लेगेसी जिसे कहा जाता है वो चलती इसी तरीके से हमारे संस्कार बने रहें, तो हमें अच्छा बोलना, अच्छा लिखना और अच्छा पढ़ना है। और इन सारी चीजों को तवज्जो देने के लिए ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म की रचना रची गई थी और आज इस 10वें डिकेड, एक 10वें फेस्टिवल की जो खुशी है वो मैं यहाँ आप सबके सामने बयान कर रहा हूँ। सो मच, दिस इज अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट इवेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर बिकॉज आई एम एन एम्बेसडर बट आल्सो एन ऑथर एंड लिटरेचर रियली मैटर्स फॉर मी एज अ राइटर एंड लिटरेचर इज अ पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन एज एन एम्बेसडर ऑफ तुर्की टू India, I always pay special attention to cultural relations, and we are also in close relations in terms of literature. We are trying to participate as Turkey to all possible festivals, literary festivals, and my presence is also today, you know, shows that we are very interested. Turkey was a guest of honor country earlier this year in Kerala, and we invited
many Indian publishers and authors to Turkey last year to the biggest book fair in Istanbul as focus country. So this is an important element in our relations, and with your assistance, interest and help, we will continue working in this regard. Thank you very much. Yeah, I'm really pleased and honored to represent Russia today at this wonderful event. I believe that this literary forum is a great platform for cross-cultural dialogue, and I hope that all the discussions which will be here during these 3 days will be fruitful and wonderful. Thank you so much. But यहाँ आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत well thought, well organized program है, बहुत बहुत सोच विचार करके ये event तैयार हुआ है, और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आने के बाद. मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना अच्छा, इतना सुखद अनुभव मुझे यहाँ होगा, और मुझे लगता है कि आने वाले 2-2.5 दिन में आप लोग बहुत सारे ऐसे सेशन होंगे जिसमें बहुत कुछ आप सबको भी सीखने को मिलेगा. मैं तो एक ही सेशन के लिए आई हूँ, मुझे तो एक ही सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला, तो इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और मैं यही चाहूंगी कि इस आयोजन, मुझे सुनकर बहुत हैरानी हुई कि ये लिटरेचर फेस्टिवल को 10 साल हो गए हैं, मुझे जानकारी नहीं थी, और 10 साल से इतना बढ़िया आयोजन यहाँ हो रहा है संदीप मारवा जी के नेतृत्व में. तो मैं चाहूंगी इस तरह के और भी आयोजन अलग अलग इंस्टीट्यूशन में हो, और आप लोग इसका पूरा फायदा उठाइए, पूरा लाभ लीजिए जब तक ये कार्यक्रम है. थैंक यू.